हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ हाउ टू डेकोरेट टेबल फॉर डेट। डिनर डेट आप बोल सकते हैं, डेट नाइट बोल सकते हैं, जहाँ पे आप अपने समवन स्पेशल के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें। कोई बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, तो आप इजीली इसको कम ही बजट में डेकोरेट कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं इस ओकेशन को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये है प्यारा सा एरिया, ये हमारा जो है डाइनिंग टेबल एरिया है। सो डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ली है स्ट्रिंग लाइट, ऑफ वाइट कलर की ये लाइट्स हैं, और मैंने सिर्फ दो ही लाइट्स ली हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे ली हैं ये मिनी कैंडल्स, और ये मैंने यहाँ पे ली हैं लंबे वाले कैंडल्स। एक्चुअली मेरे पास अवेलेबल थे, तो जो आपके पास अवेलेबल है वो लीजिए, अदरवाइज़ आप ये भी ले सकते हैं जिस तरीके से मैंने डेकोरेट किया है। एंड ये दो कैंडल्स मेरे पास थी, बहुत कैंडल्स बहुत अलग अलग शेप में आती है, तो मेरे पास ये बहुत क्यूट सी थी, इसके अंदर स्टार्स भी बने हुए थे। और जो इतनी प्यारी आप बॉल्स देख रहे हो, इसको बोलते हैं वाटर जेली बॉल्स, और बीज इसका नाम है। तो ये सबको पता होगा, इन बॉल्स को अगर हम पानी में डालते हैं तो ये फूल जाती है, लेकिन उसके हमें 4 घंटे चाहिए इसको। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने एक बड़े बॉल में मैंने इसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था, और ये फूल की इस कलर की हो गई है, बहुत प्यारा सा कलर है। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और ये मेरे पास जो भी मेरे पास ग्लास अवेलेबल है, सबके घर में ग्लास बहुत अलग अलग साइज़ के होते हैं, मेरे पास इस टाइम पे यही अवेलेबल था। मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो मुझे लगा कुछ स्पेशल होना चाहिए, बट मेरे पास यही दो ग्लास अवेलेबल थे इस शेप के, तो मैंने इन दोनों ग्लासेस का यूज़ किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने क्राफ्ट पेपर जो होता है, चार्ट पेपर आप बोल सकते हैं, उस पर मैंने अपने हिसाब से कुछ भी छोटा सा मैंने कट कर लिया, उसके ऊपर मैंने छोटा सा मैसेज लिख दिया। इसको मैं ग्लास में डाल के इसको अपोजिट उल्टा करके मैं इसको रख दूंगी, और उसके ऊपर कैंडल्स लगाने हैं, जिससे वो बहुत प्यारा शाइन करता है जब कैंडल्स जलती हैं। तो ये एक हमारा प्यारा सा डाइनिंग टेबल एरिया है। तो ये है 4 चेयर वाला, पहले मैं इसको अच्छे से क्लीन करेंगे, और क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड के लिए मैं एरिया बना रही हूँ, तो मैं दो चेयर्स को हटा दूंगी, और दोनों चेयर्स को मैं सेंटर पे रख दूंगी। क्लीनिंग मैं कर चुकी हूँ, तो अभी मैं बलून्स को फुलाने वाली हूँ एयर पंप की हेल्प से। ज़्यादा बलून्स मैंने यहाँ पे नहीं लगाए हैं, बहुत ही कंजस्टेड एरिया हो जाता, तो इसलिए मैंने सिर्फ हार्ट शेप में थोड़ा सा बलून्स अच्छे लगे उसके हिसाब से, मेरे पास जो बलून उस टाइम पे अवेलेबल थे उसके अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ 5 से 6 बलून्स मैंने लगाए हैं। और आप जब भी कोई एरिया डेकोरेट करें तो आप कंफर्म कर लें कि आपको कौन से कलर का एरिया चाहिए। मुझे रेड एंड वाइट बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही रोमांटिक टाइप का होता है, एक लव कलर लगता है मुझे, तो इसलिए मैं इस एरिया को रेड कर रही हूँ। तो मैंने जो यहाँ पे एक क्लॉथ में यूज़ करूँगी टेबल के ऊपर, वो मैं रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैंने रेड बलून यहाँ पे यूज़ किए हैं। रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है। तो अब देख सकते हैं, अभी मैं सेलो टेप की हेल्प से, कोई मैं इसमें डबल साइडेड टेप नहीं लगा रही हूँ, जैसे एक सिंपल सेलो टेप की हेल्प से मैं इसको थोड़े से हार्ट शेप में डेकोरेट कर लूँगी। बलून्स के बैक साइड में हम सेलो टेप लगाते हैं फिंगर की हेल्प से उल्टा करके, तो क्या होता है वो वॉल्स पे अच्छे से चिपक जाते हैं। तो अब देख सकते हैं, मैंने हार्ट शेप में सिंपली छोटा सा प्यारा सा बना दिया है, और अब मैं टेबल के ऊपर लगाने जा रही हूँ ये रेड कलर का क्लॉथ। बहुत ही जो भी आपके पास प्यारा सा कपड़ा अवेलेबल हो, दुपट्टा अवेलेबल हो, आप दुपट्टा भी यूज़ कर सकते हैं, चुन्नी जिसे बोलते हैं, कोई भी कलर की रेड हो तो वो भी प्यारा लगता है। अगर आप थोड़ा रोमांटिक माहौल चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप रेड कलर की दुपट्टा रख सकते हैं, बट मेरे पास कपड़ा अवेलेबल था तो मैंने यहाँ पे कपड़ा प्रेफर समझा यहाँ पे डालना, तो मैंने अच्छे से कपड़ा सेट कर दिया। और यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं स्ट्रिंग लाइट लगा रही हूँ। एक्चुअली आप स्ट्रिंग लाइट किसी भी डेकोर कोई भी आइडिया सोच के लगा सकते हैं, बट मुझे लगता है मैं यहाँ पे कोई मैं ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहती थी, तो वॉल तो बहुत ही सिंपल तरीके से रख दिया। और मैं ये देख सकते हैं आप, जो मैंने ग्लासेस आपको बताए थे, 4 ग्लासेस माइंड में कुछ आ नहीं पा रहा था, तो मैंने इस तरीके से 4 ग्लासेस को प्यारे से तरीके से 4 ग्लासेस के अंदर बॉल्स को मैनेज करके वाटर डाल के और उसके ऊपर कैंडल्स डाल के मैंने इस तरीके से चारों साइड में रख दिया है। एंड बीच में जो लंबे वाला ग्लास था उसको मैंने अंदर चार्ट पेपर डाल के, एंड ऊपर से एक लंबी वाली कैंडल है, 5 रुपीज़ पर ही जाती है वो, तो मैंने उसको ऊपर से रख दिया। एंड आपके पास कोई भी कलरफुल प्लेट्स या फिर वाइट प्लेट भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, मेरे पास ग्रीन कलर की थी, बहुत प्यारी लगती है मुझे, फेवरेट है मेरी, तो मैंने इसलिए इसको रखा।
एंड यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने रोज़ पेटल्स डाल दिए हैं। मैं एक साथ ही रोज़ पेटल्स लेके आ गई थी जो मुझे इजीली मिल गए थे, तो वो मैंने अच्छे से चारों तरफ फैला दिए हैं, अच्छे से स्प्रेड कर दिए हैं। और आप प्लेट्स के ऊपर देख सकते हो मैंने हैंकी का एक एक प्यारा सा, जैसे रेस्टोरेंट्स में रखते हैं उस तरीके से मैंने शेप में दे के वहाँ रखा है, और उसके ऊपर मैंने रेड रोज़ रख दिए हैं। तो मैंने उसका मैंने यूज़ किया है क्योंकि बहुत सारे रोज़ पेटल्स के अंदर ऐसे थोड़ी कलियाँ टाइप की होती है, वो आया हुआ था, तो मैंने उसको मिडिल में रख दिया है। एंड आप देख सकते हैं ये प्यारा सा डिनर टेबल आप बोल सकते हैं, और डिनर नाइट बोल सकते हो, फॉर समवन स्पेशल जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उसके लिए अभी डेकोरेट कीजिए और घर पे ही आप बहुत प्यारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये लाइट ऑन करके और कैंडल्स जला के एरिया दिखाती हूँ। जस्ट सी, इट्स लुकिंग ऑसम। एंड इसकी वीडियो मैंने शेयर करी है, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने अपने हस्बैंड के बर्थडे पे ये सरप्राइज दिया था, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं उनका रिएक्शन, उनको तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और आपको भी अगर अच्छा लगता है तो आप किसी अपने हस्बैंड के लिए और मदर फादर के लिए भी कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको चेंजेस करना पड़ेगा, किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना यार, शिवानी कश्यप को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और देखते रहिए शिवानी कश्यप। आई होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू।